प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते में कौन कौन से आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सा सिम्टम्स पहले हफ्ते में दिखाई देगा, कौन कौन सा दूसरे हफ्ते में, कौन कौन सा तीसरे हफ्ते में, कौन कौन सा चौथे हफ्ते में। फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि मेरा पीरियड मिस हुआ है कि नहीं, अभी नहीं हुआ है, और मुझे कौन से लक्षण दिखाई देंगे, पीरियड मिस होने के बाद कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि ये जो मैं लक्षण बता रही हूँ, टोटल 20 लक्षण होंगे। अगर इनमें से आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अमूमन जो मैं बता रही हूँ कि 80 से 90% महिलाओं में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देते ही देते हैं, कुछ ना कुछ लक्षण तो प्रेगनेंसी का दिखाई देता ही देता है सारी महिलाओं में। कुछ महिलाएं बोलती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, बट उनमें कुछ ना कुछ तो दिखाई देता ही है देता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सेम सारा लक्षण आप में दिखाई दे, लेकिन उसमें से एक दो लक्षण, दो चार लक्षण किसी न किसी हफ्ते में, किसी न किसी वीक में आपको दिखाई देगा। तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, चलिए इसके इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कमेंट करने से पहले एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, एक बार वीडियो को चेक कर लीजिए, हो सकता है कि जो आप कमेंट करने जा रहे हो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो इस चीज को भी प्लीज रिक्वेस्ट है जरूर ख्याल कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला हफ्ता होता है वो पीरियड मिस होने से पहले का होता है, जो आपका ओवुलेशन होता है उसके बाद आपका जो फर्स्ट वीक होता है वो अभी आपकी जो पीरियड है वो मिस नहीं हुई है, तभी आपको पहले हफ्ते का लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसमें आपको पहले हफ्ते में आपको थकान महसूस हो सकती है, यानी कि अगर आप कुछ काम वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, बाहर नहीं जा रहे हो, फिर भी आपको बहुत ज्यादा थकान होने लग रही है, थकान बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, आपको हैरेसमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको दूसरा लक्षण समझ में आएगा कि आपको जो थकान के बाद आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, एक चीज के लिए आपको भूख नहीं लगेगा, ये नहीं है कि मुझे पिज्जा खाना है तो बस उसी के लिए क्रेविंग हो रही है, नहीं, आपको भूख में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आपको पूरा आपका जो खाना है ना, आप पहले 2 बार खाते थे, अब आप 3 से 4 बार खाने लगोगे, क्योंकि इस समय क्या होता है, जो छोटा सा भ्रूण है, जो जयगोट है, वो आपके यूट्रस की दीवार में चिपक रहा है। तो जब यूट्रस की दीवार में चिपकता है तो आपके अंदर बहुत सी प्रक्रियाएं होने लगती हैं, जिस वजह से कि आपको भूख में टेंडेंसी बढ़ जाएगी और आपका भूख काफी ज्यादा आपको लगने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ब्रेस्ट में भी आपका दर्द, भारीपन महसूस होने लगेगा। इस समय ये थोड़ा सा माइल्ड सा रहेगा, यानी कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस आपको महसूस होने लगेगी, ये बहुत बहुत माइल्ड सा रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, ये पहले हफ्ते का लक्षण आपको समझ में आएगा पीरियड मिस होने से पहले का। अब दूसरे हफ्ते में आपको कौन सा लक्षण दिखाई देगा, तो फ्रेंड्स, दूसरा हफ्ता आते आते आपका पीरियड भी मिस हो जाता है। हफ्ते में फ्रेंड्स आपको लक्षण दिखाई देने लगेंगे कि आपको सबसे पहले आपको स्पॉटिंग होने लगेगी, ये आपका इम्प्लांट का फेस चलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि स्पॉटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और ये स्पॉटिंग बहुत ज्यादा आपको नहीं होगा, ब्राउन डिस्चार्ज सा, बहुत माइल्ड सा होगा, 2-3 ड्रॉप आपको हो सकता है। इसके अलावा आपका मूड भी स्विंग होने लगेगा, कभी हंसने का मन करेगा, कभी रोने का मन करेगा, कभी आपको कुछ करने का मन करेगा, यानी कि आपके मूड जो आपका दिमाग है उसमें चेंजेस, हेडक होने लगेगा, यानी कि आपके सिर में दर्द होने लगेगा। अगर आपको ये समस्या पहले नहीं थी लेकिन अब हो रही है, तो ये समझिए कि ये आपके प्रेगनेंसी के संकेत होते हैं। इसके बाद आपके जो ब्रेस्ट है उसमें दर्द बना रहेगा, और ये दर्द थोड़ी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जो आपकी ब्रेस्ट है वहां की नसों में उभार आना शुरू हो जाएगी, आपको वहां की जो आपकी नसें हैं वो नीली नीली आपको दिखाई देने लगती है। तो ये सारे अगर लक्षण आपको समझ में आ रहे हैं, ये भी आधा आपको समझ में आएंगे पीरियड मिस होने से पहले, और आधा फ्रेंड्स जो दूसरा वीक है, दूसरा वीक खत्म होते होते आपका पीरियड का टाइम आ जाता है, तो ये अगर समझ में आ रहे हैं तो पीरियड 1-2 दिन गैप हो गया है, यानी कि नहीं आया है, तो भी ये लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये जो है पीरियड के आते आते तक आपको समझ में आने लगेगा।
पीठ और कमर में दर्द महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपकी यूट्रस जो है बढ़ने लगती है। इस समय आपका यूट्रस धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जिससे कि उसमें प्लेसेंटा का भी निर्माण होने लगता है, बच्चे की ग्रोथ भी होने लगती है। फ्रेंड्स, 1 से लेकर 3.5 महीने तक बच्चे की ग्रोथ हर दिन बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि एक से आज इतना बच्चा है तो आपको कल दुगुना मिलेगा। तो ऐसे 24 से 48 घंटे में दुगुना आपके शिशु की जो है ग्रोथ होने लगती है। तो कमर में, पीठ में आपको बैक पेन भी महसूस होने लगेगा, कमर में भी पेन होने लगेगा, पीठ में भी पेन होने लगेगा। इसके अलावा आपको स्पॉटिंग यानी कि जो आपका ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा था, वो ब्राउन ना आके आपका डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब कि आपका जो वेजाइना के थ्रू डिस्चार्ज आता है वो काफी बढ़ जाएगा, पहले के मुकाबले आपको ये काफी बढ़ जाएगा। ये इसीलिए बढ़ता है फ्रेंड्स कि जो बाहर के बैक्टीरिया है वो आपके शिशु के अंदर ना जा पाए, आपके कैनाल के अंदर एंटर ना कर पाए और आपके शिशु को कोई भी नुकसान ना हो पाए, इसीलिए ये डिस्चार्ज जो है आपको बढ़ा हुआ महसूस होने लगेगा। ये डिस्चार्ज जैसे कि आपने पैंटी पहना है तो पहले आपको नहीं गिली होती थी, लेकिन अब आपको समझ में आने लगेगी कि हाँ आप गिली हो रही है, डिस्चार्ज आ रहे हैं। इस हफ्ते में बार बार यूरिन आने लगेगा। इस हफ्ते में बार बार यूरिन क्यों आता है? तो फ्रेंड्स, इस हफ्ते में बार बार यूरिन इसीलिए आता है कि जो आपका यूट्रस है वो बड़ा होने लगता है और जो आपकी किडनी है वो जो है फिल्ट्रेशन का काम ज्यादा तेजी से बढ़ा देती है, यानी कि जो भी आप पानी पीते हो या इस समय आपको प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो जितना अधिक पानी पियोगे उतना ही आपके किडनी बहुत तेजी से काम करने लगती है, जिससे कि आपको बार बार यूरिन जाने की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये विंटर का सीजन है, तो विंटर के सीजन में अगर आप जो है प्यास भी आपको नहीं लग रहा है फिर भी आपको समझ में आएगा कि नहीं मुझे प्यास लगी है, क्योंकि जो फ्रेंड जो जैगॉट चिपक रहा है ना, तो उसकी वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन बन रहे हैं और जब बहुत सारे हार्मोन बन रहे हैं उसी की वजह से आपको प्यास लगता है और जो आपका यूट्रस है उसके जस्ट बगल में आपका यूरिन ब्लेंडर होता है, तो क्या होता है कि यूरिन ब्लेंडर पे प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे कि यूरिन ब्लेंडर बार बार भरा हुआ आपको महसूस हो, 2 ही ड्रॉप होगा यूरिन पर बार बार आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको मॉर्निंग सिकनेस भी होने लगेगा, जब सुबह 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 सो के उठोगे तो आपको मॉर्निंग सिकनेस होने लगेगा। कभी कभी आपका जो मॉर्निंग सिकनेस में कभी कभी आपको दर्द होने लगेगा सर में, कभी कभी आपको कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा या फिर कोई कुछ बोलेगा तो आपको। इसके अलावा फ्रेंड्स इसी मंथ में, इसी वीक में आपको स्मेल की सेंस भी बढ़ जाएगी, जैसे कि अगर आप जो है खाना वगैरह बना रहे हो तो किसी चीज का छौंका लगा, तड़का लगा या फिर कुछ भी हो, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आटे हो गए, बहुत सी महिलाओं को रोटी जो रोटी बनता है उससे भी स्मेल आने लगती है, यानी कि जो स्मेल की आपकी सेंस है वो काफी तगड़ी हो जाती है। किसी भी चीज का किसी को नहीं गंध आएगा लेकिन आपको आने लगेगा, तो ये एक मेन पॉइंट होता है प्रेगनेंसी के लिए। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो और ये पीरियड मिस होने के बाद जो तीसरा वीक आता है वो पीरियड इसमें मिस हो जाता है आपको। अब जानते हैं चौथे वीक में आपको कौन कौन से सिम्टम्स में आपको नाभि के नीचे टाइटनेस और फूलने जैसी महसूस होने लगेगी। इस वीक में आपको ऐसा महसूस होगा कि जो आपका नाभि है ना उसके नीचे थोड़ा सा कुछ फुला फुला महसूस हो रहा है, टाइटनेस यानी कि आपका पेट पूरा टाइट टाइट महसूस हो रहा है। उसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो गला है, गले में आपको जलन महसूस होने लगेगा, यानी कि गैस कॉन्स्टिपेशन आपको बनने लगेगा इस मंथ से। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको चक्कर भी कितनी महिलाओं को आने लगती है, उल्टियां भी, उल्टियां तो पीरियड मिस होने से पहले ही कितनी महिलाओं को होने लगती है और कितनी महिलाओं को पीरियड मिस होने के बाद भी उल्टियां होने लगती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको सिर में चक्कर आने लगेगा, कितनी महिलाओं को फीवर भी होने लगता है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है कि ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के ही होते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स में से 2-4 सिम्टम्स भी महसूस हो रहे हैं तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। इसके अलावा आपको पैरों में क्रैम्पिंग भी महसूस होने लगेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कभी कभी क्या महसूस होता है कि आपको जो है सर्दी जुकाम भी होने लगेगा, यानी कि मौसम तो चेंज होता है उसके वजह से भी होगा, लेकिन अगर मौसम नहीं भी चेंज हो रहा है तो आपको सर्दी जुकाम भी होने लगेगा। तो इन सारे सिचुएशन में फ्रेंड्स मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी प्रकार का आपको मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाकर नहीं खाने हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं और आप बेबी प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें ट्राई में लगे हो, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है। और आप अगर मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाकर खा लोगे तो मेडिसिन काफी हैवी होती है और उसमें जो है आपको प्रेगनेंसी का फेल करने का उसमें कुछ
चीज ऐसी होती है जो कि आपके प्रेगनेंसी को फेल कर सकती है, तो आपको ऐसा काम नहीं करने चाहिए। आई होप कि आज मैंने 20 आपको सिम्टम्स लक्षण जो बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मेरा फेसबुक पेज है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माई ओमेंस केयर, वहां पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू।